चलिए इसी बीच बात करते हैं धार से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर आज माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ इसकी नींव रखेंगे। बता दें कि इस दौरान आमसभा को भी संबोधित करेंगे। 1086 करोड़ ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने आज मुख्यमंत्री कमलनाथ धार पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो आम जनता को भी संबोधित करेंगे। धार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जाएंगे और माइक्रो सिंचाई परियोजना की नींव रखेंगे। बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 1086 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें सिंचाई को लेकर योजना बनाई गई है। इस दौरान सीएम कमलनाथ इसकी नींव रखने के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर उस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ का धार दौरा, आज माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं सीएम कमलनाथ। इस दौरान आमसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दीजिए माइक्रो सिंचाई परियोजना 1086 करोड़ की लागत से बन रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल धार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, बताया जा रहा है कि सीएम कमलनाथ आज धार जिले के दौरे पर रहेंगे, उनका क्या कुछ कार्यक्रम है वहाँ पर? जी, सीएम कमलनाथ जी जो है आज 1085 करोड़ की नहर परियोजनाओं का एक पिटारा खोलेंगे, जिससे 106 गांव लाभान्वित होंगे धार जिले के। जी, बताया जा रहा है कि वो इस योजना का शिलान्यास करने के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जी हाँ, उनकी एक बड़ी आम सभा है, लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ का दावा किया जा रहा है। उसमें धार जिले में आदिवासियों के विकास को लेकर कई और योजनाएं हैं, जिनके बारे में वे घोषणा कर सकते हैं। जी अतुल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास आज रखने होने वाला है, वो कितना ज्यादा जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए? जी, दरअसल धार जिला आदिवासी जिला है। आदिवासियों के मतलब प्रमोशन के लिए, उनके विकास के लिए खेती को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस नहर परियोजना से कई हजार किसान व्यक्तिगत तौर पर लाभान्वित होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 1086 करोड़ की लागत से माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास आज धार जिले में रखा जाएगा। इसकी नींव मुख्यमंत्री कमलनाथ रखेंगे और इस दौरान आम सभा को भी संबोधित करेंगे।